तो आज में दोस्तों आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप अपने पैन कार्ड में आप अपने आधार कार्ड को लिंक करेंगे। तो पैन कार्ड में आधार कार्ड को लिंक करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल पे लिखना होगा पैन आधार लिंक। यहाँ पे आप पैन आधार लिंक लिखेंगे कुछ इस तरह से, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप सर्च करेंगे, जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे पैन आधार लिंक लिख के, इसके बाद देखिए यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। और सबसे पहले मैं आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको वेबसाइट मिलेगा इनकम टैक्स फिलिंग डॉट गोव डॉट इन। आपको दोस्तों इसी वेबसाइट में आपको इंटर करना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर में, तो आप इस वेबसाइट में इंटर कर जाएंगे। ये दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी कि पैन कार्ड जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आपके सामने यहाँ पे खोल के आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या होगा, आपको पैन कार्ड में आधार कार्ड लिंक करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको फिल कर लेना है, जैसे कि आपका पैन कार्ड नंबर क्या है, अपना पैन कार्ड नंबर को यहाँ पे डालेंगे। और इसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे आपके आधार कार्ड में जैसे जैसे आपका नाम लिखा हुआ है, वैसे ही आपको दोस्तों यहाँ पे आपको इस बॉक्स में आपको नाम लिखना है। यहाँ पर दोस्तों आपको फुल नेम लिखना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है नेम एस पर आधार, यहाँ पे आधार कार्ड के हिसाब से आपको यहाँ पे नाम लिखना है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक चेकबॉक्स मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस चेकबॉक्स में दोस्तों आपको क्लिक करना होगा, अगर आपके आधार कार्ड में अगर आपका बर्थ ईयर है, ओनली अगर आपका ईयर रहेगा तभी आपको इस चेकबॉक्स में आपको क्लिक करना होगा। अगर आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ रहेगा तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस चेकबॉक्स में आपको क्लिक नहीं करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको इसमें क्लिक करना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें टिक करना है, इसमें टिक करेंगे। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक कैप्चा मिलेगा, ये सिंपल से कैप्चा रहेगा जिसमें आपका कुछ अल्फाबेट्स रहेगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इस कैप्चा को दोस्तों आप यहाँ पे इस बॉक्स में डाल देंगे। इसके बाद आपको कुछ नहीं, बस यहाँ पे आपको नीचे में आना है और नीचे में आपको यहाँ पे लिंक आधार के ऑप्शन में क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे लिंक आधार के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका पैन कार्ड में आधार कार्ड लिंक हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोग को पूरा डिटेल से बता देता हूँ, यहाँ पे मैं अपना डिटेल्स पूरा डाल देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे लिंक आधार के ऊपर में क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मैं अपना पूरा डिटेल्स भर दिए हैं, जैसे कि पैन नंबर क्या है, आधार नंबर क्या है, और इसके बाद नेम भी लिख दिए हैं यहाँ पे। और इसमें चेकबुक्स में टिक भी लगाएँ क्योंकि मेरा यहाँ पे आधार कार्ड में पूरा यहाँ पे मेरा डेट ऑफ बर्थ नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे टिक लगा दिया हूँ। और उसके बाद दोस्तों ये कैप्चा भी यहाँ से फिल कर दिया हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं, बस आपको नीचे आना है और नीचे में आपको लिंक आधार के ऊपर में क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पे आपका पैन कार्ड के साथ यहाँ पे आपका आधार कार्ड लिंक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मेरा पहले से यहाँ पे लिंक किया हुआ है, तो इसलिए मेरा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि योर पैन इज ऑलरेडी लिंक टू योर गिवन आधार नंबर। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपका पैन कार्ड यहाँ पे लिंक होगा तो यहाँ पे आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्लिक हियर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टू व्यू द स्टेटस इफ यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड लिंक आधार रिक्वेस्ट। तो आपको इसमें क्लिक करना है, इसमें जैसे आप क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पे अगला पेज कुछ इस तरह से यहाँ पे खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना है और इसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है। और इसके बाद यहाँ पे आप जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे फ्यू लिंक आधार स्टेटस के ऊपर में, तो यहाँ से दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि आपका पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड लिंक है या नहीं है। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं जैसे अपना पैन नंबर और यहाँ पे आधार नंबर डाल के यहाँ पे व्यू लिंक आधार स्टेटस के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ से दोस्तों मेरा यहाँ पे चेक हो जाएगा। यहाँ पे जैसे हम क्लिक किए इसके बाद देखिए यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि आपका पैन कार्ड जो है यहाँ पे आधार कार्ड के साथ लिंक है या फिर नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं योर पैन इज लिंक टू आधार नंबर, इतना यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट आपको 4 डिजिट भी यहाँ पे नजर आ जाएगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका कौन सा आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ लिंक है। तो आई होप कि दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।